नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट विद ओम और मैं आपके साथ ला चुका एक एकदम नई और एकदम एकदम अमेजिंग वीडियो। जैसा कि थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो निकाली थी, वो इस टॉपिक पे थी कि स्काई ब्लू क्यों होती है, तो उसका भी हम आज एक पार्ट करेंगे। और एक पार्ट हम इस चीज का करेंगे कि आखिर रेड सनसेट क्यों होता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही मेहनत से मैंने निकाला है और ये इसमें बहुत मजा भी आने वाला है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि व्हाट मेक्स अ रेड सनसेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स अ रेड सनसेट। एज द सन गेट्स लोअर इन द स्काई, इट्स लाइट इज पासिंग थ्रू मोर ऑफ द एटमॉस्फेयर टू रीच यू। Even more of blue light scattered all around, allowing the reds and yellows to pass the straight light without your eye. तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया था। तो वो इस बारे में कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्काई ब्लू क्यों होती है, तो क्या दोस्तों, अब मैंने उसका एक क्वेश्चन निकाला है, क्या दूसरे प्लैनेटों में भी स्काई ब्लू होती है? तो आइए देखिए, इज द स्काई ब्लू ऑन द अदर प्लैनेट्स टू? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल, मार्स हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर मेड मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिल्ड विद फाइन डस्ट पार्टिकल्स। दीज फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड लाइट डिफरेंटली that the gases particle in earth atmosphere. Photos of NASA rovers and landers on Mars have shown us that all at sunset there is actually the position of you did experience on the earth. During the daytime, Martian sky takes on an orange or reddish color, but as the sun sets, the sky around the sun begins to take blue and grey tone. तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, याद आया, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, मैं नई वीडियो आपके साथ बहुत जल्दी लाऊंगा। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करूं और जैसा कि आप बोलेंगे उसी तरीके से मैं चलूं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे वीडियो की अंत आ चुका है। तो चलिए, बाय दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ।